फ्रेंड्स, वेलकम टू पीहू टीवी चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाइएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, मैं आज आपको सलवार की कटिंग, बैट वाली सलवार की कटिंग करके बता रही हूँ। ये देखिए, मैंने 2.5 मीटर कपड़ा है ये, तो मैंने इसे क्या कर लिया, ऐसे फोल्ड कर लिया है। तब हम क्या करेंगे, जो मेरी इसका जो साइज़ है, फ्रेंड्स हम इस साइज़ की सलवार की कटिंग करेंगे। जो मेरी लेंथ है 39 इंच रेडी है और जो उसकी मोरी है वो 6 इंच तैयार है। तो हम क्या करेंगे, जो हम लेंथ लेंगे वो 34 इंच की कटिंग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर बेल्ट की तरफ सिलाई में आ जाएगा और आधा इंच नीचे मोरी की तरफ सिलाई में आ जाएगा, तो हमारा 33 इंचीज रह जाएगा ये। और जो बेल्ट कटिंग करेंगे वो 8 इंच लेंथ की करेंगे। इट मीन्स ये इसकी बात कर रही हूँ मैं ऐसे ऊपर से नीचे, तो ये जो हमारी है ये 6 इंच रेडी रह जाएगी। तो 33 + 6 इंचीज, ये 39 इंच हमारी सलवार रेडी हो जाएगी। तो चलिए अब हम कटिंग स्टार्ट कर। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 2.5 मीटर कपड़ा हमने फोल्ड किया है, तो हम इसमें ये देखिए ऐसे, ये हम इसमें क्या करेंगे, अब 34 इंचीज यहाँ से लेंथ ले लेंगे। ये देखिए ऐसे मेरा 34 इंच हो गया, तो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर दूंगी ऐसे, और यहाँ से मैं इस साइड से क्रॉच लूंगी और जो मैं क्रॉच लूंगी वो मैं 10 इंच पे लूंगी। ऐसे और हम क्या करेंगे, अब ये जो मैंने इसकी जो विड्थ ली है, मैंने ये 2.5 इंचीज ली है। ये देखिए 2.5 इंचीज ली है ऐसे, ये देखिए 2.5 इंचीज। तो अब हम क्या करेंगे, इस लेंथ के निशान को और ये क्रॉच के निशान को हम मिला देंगे स्केल की हेल्प से। ये देखिए, मैंने इसको, ये जो हमारी लेंथ है इससे मैंने क्रॉच को मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी पैटर्न पे यहाँ से ऐसे और ये ऐसे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने कटिंग कर ली है और ये जो मेरी बन साइड थी ये भी मैंने देखिए काट के अलग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी ये 2 कली निकल आई, अब हम इनको उठा के उस पार्ट के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए ऐसे, जैसे ये मैंने रख लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसकी इस साइड पे हमने ये वाली साइड बराबर रखनी है इसकी। इसमें अगर आपका थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। अब जैसे ये मैंने रखी है, ये देखिए, मैं यहाँ से भी इसकी कटिंग कर लूँगी, यहाँ से भी, और ये मेरा ऊपर से वो क्रॉच की तरफ से ये वाला एरिया भी मैं यहाँ से अलग कर लूँगी। इसी जो मैंने कली काटी है इसी साइज़ का ऐसे कट कर लूँगी कपड़ा में। ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैंने यहाँ से कली काटी है इसी को उठा के इस पे शिफ्ट किया है। ये देखिए नीचे वाला पार्ट ऐसे इसी पे ही रखा है मैंने, यहाँ से पीस उठा के मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ से भी कटिंग कर लिया और वहाँ से भी कटिंग कर ली। अब क्या करेंगे, हम इसको उठा देंगे और अब हम अगले पल्ले काटेंगे जिसको कि हम पट भी बोलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाकी का जो कपड़ा बचा है वो बिछा लिया है। अब हम इस पे भी 34 इंच लेंथ की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए 34 इंच पे मैं निशान लगा दूंगी, 34 इंचेस। ये देखिए 34 इंचेस इस पे मैं निशान लगा दूंगी। जो इसकी हम ये ब्रॉडनेस लेंगे, ये हम 12.5 इंचेस ले लेंगे और ऐसे इसकी लेंथ तक पूरा 12.5 इंचेस पे निशान लगाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे मार्किंग कर लेंगे हम। अब क्या करूँगी मैं, इसी जो मैंने मार्किंग की है इसी पे मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है, अब मैं इसको उठा दूँगी। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आता है सलवार में वो आता है बेल्ट। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मेरी बेल्ट है वो 24 इंच रेडी है और मैंने ये 25 इंच लिया है। ये देखिए, ये मैंने 25 इंच है मेरा यहाँ तक, ये थोड़ा नीचे कपड़ा हुआ है तो ये देखिए ये कटिंग में आ जाएगा। ये मैंने 25 क्यों लिया, क्योंकि आधा इंच इधर से सिलाई में आ जाएगा और आधा इंच वहाँ से सिलाई में आ जाएगा, तो ये मेरा 24 इंच रेडी रह जाएगा। और जो 8 इंच मैंने नीचे को इसकी लेंथ ले ली है ऐसे ही, ये देखिए। वैसे मैंने आपको पहले भी बेल्ट की कटिंग बताई है, आप देख सकते हैं मेरी दूसरी वीडियो में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बेल्ट की कटिंग भी कर ली है, ये हमारी फुल सलवार की कटिंग हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।